दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स। सोना खरीदो सोना जीतो, स्वर्ण समृद्धि योजना। हिमाचल की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना संचालित करने वाली सतलुज जल विद्युत निगम ने 2023 तक 5000 मेगावाट, 2030 तक 12000 मेगावाट व 2040 तक 25000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में कंपनी 86 किलोमीटर लंबी एक ट्रांसमिशन लाइन के अलावा 2015.2 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर रहा है। 2880 मेगावाट निर्माणधीन है। SJVN में भारत सरकार की शेयर 21.15 व हिमाचल सरकार का शेयर 26.85% है। शेष 12% शेयर पब्लिक के पास है। ये जानकारी SJVN के मुख्य प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि कंपनी सबसे बड़ी 1500 मेगावाट की नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना भी चला रही है। इसके अलावा 4 और परियोजनाएं चला रही है। SJVN के सफल कार्य के बाद प्रदेश सरकार ने हाल ही में 7 नई परियोजनाओं के MOU हिमाचल सरकार के साथ हस्ताक्षरित किए हैं। नंदलाल शर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष नदियों में पानी में कमी के बावजूद 95% से 98% तक विद्युत उत्पादन किया। 2019 में 9100 मिलियन यूनिट के लक्ष्य में से 7355 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर लिया गया है। इसका मतलब नदियों में पानी भी अच्छा है तो कंपनी लक्ष्य से ज्यादा उत्पादन करने की उम्मीद कर रही है। इसके अलावा पहले मुरम्मत के लिए 22 दिन लगते थे जो अब 10 दिन लग रहे हैं, इसलिए भी उत्पादन बढ़ रहा है। हिमाचल में निर्माणधीन 2 विद्युत प्रोजेक्ट 6 माह में काम करना शुरू कर देंगी। अभी तक की उपलब्धि जो है 2015 मेगावाट की क्षमता हम स्थापित कर चुका है SJVN। अगला लक्ष्य है कि 2023-24 तक हम इस क्षमता को जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को 5000 मेगावाट तक पहुंचाएंगे। इससे और आगे कदम लेते हुए 2030 तक 12000 मेगावाट और 2040 तक 25000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वाली कंपनी हम SJVN को बनाएंगे। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जैसे इन टर्म्स ऑफ स्नोफॉल और रेनफॉल हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि पिछले वर्ष अच्छा स्नोफॉल हुआ है तो इस वर्ष नदियों में पानी अच्छा है और जनरेशन अच्छी हो रही है, लेकिन उससे पिछले वर्ष जो स्नोफॉल और रेनफॉल रहा था, क्योंकि ये रिवर्स स्नोफेड रिवर्स हैं, चाहे सतलुज है, रावी है, बेसिन है, ये स्नोफेड रिवर्स हैं और इनमें डिस्चार्ज जो है ज़्यादातर स्नो के ऊपर डिपेंड करता है कि सर्दियों में कैसा स्नो पड़ा। तो ये एक चेंजिंग पैटर्न तो जरूर रहा है स्नोफॉल का और रेनफॉल का, लेकिन फिर भी जो हमारी डिज़ाइन एनर्जी है कई बार इसके बराबर या इससे अधिक हम ऊर्जा का उत्पादन करते रहे हैं। लूरी प्रोजेक्ट की रीइंजीनियरिंग की बात कही तो पहले लूरी प्रोजेक्ट हमने एक सिंगल स्टेज प्रोजेक्ट प्रपोज किया था जिसमें 38 किलोमीटर अंडरग्राउंड टनल थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने आग्रह किया था कि इसको रीलुक करें और 38 किलोमीटर रिवर का पोर्शन ड्राई हो जाएगा, इसकी तरफ सोचिए। तो हमने इस प्रोजेक्ट को रीमॉडल किया और 3 प्रोजेक्ट्स में बांट दिए जिसमें कोई टनल नहीं होगी और तीनों डैम टू पावर हाउस होंगे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। त्योहारों के सीजन में भूषण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है स्वर्ण समृद्धि योजना। 10 सितंबर से 14 सितंबर तक तो आज ही भूषण ज्वेलर्स से खरीदे शुद्ध सोने, हीरे व चांदी के आभूषण और पाए 2.5 लाख रुपए तक की ज्वेलरी। 2 विजेताओं के लिए दुबई टूर, 3 स्कूटी, 5 32 इंच की LED टीवी और 5 वॉशिंग मशीन व अन्य ढेरों इनाम। आज ही विजिट करे भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन। संपर्क करे 01792221404। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।